प्रधानमंत्री की माताजी के निधन की सूचना से पूरे देश सहित काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की भोर में निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश सहित काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। जगह जगह उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थनाएं की गईं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि भगवान उनके परिवार को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान वे काफी भावुक दिखे। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के माता जी के असमय निधन पर हम सब लोग शोकाकुल हैं और भगवान उनके परिवार को इस दुखद घटना की सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। बच्चों में माँ बाप की छवि दिखती है और जैसा छाया चित्रों में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता ही या प्रधानमंत्री मिलने जाते थे तो किस प्रकार से उन्हें खाना खिलाती थी अपने हाथ से, किस प्रकार से नेक देती थी उन्हें। और माँ बाप का हमेशा बच्चों के जीवन में बहुत महत्व रहता है। प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी माता जी का उसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने किस प्रकार से तपस्या करके घर में दूसरे घरों में काम करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी, सामाजिक विषयों की जानकारी देकर देश के लिए एक नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता दिया, तो हम सब आज शोकाकुल हैं और उनके निधन पर सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनका परिवार इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और माँ हीराबेन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। कि माँ तो माँ ही होती है। मैं समझता हूँ कि किसी भी पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सुबह सुबह सूचना मिली, हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति दे। हम सब लोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दें। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। हम सभी लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और माँ का साथ छूटता है, उस दुख को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। वहीं वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा मैदागिन चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी, संयुक्त महामंत्री सुमन सिंह, कोषाध्यक्ष डॉली चक्रवर्ती, सुनीता सिंह, रीता सिंह इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का देहांत हो गया है। हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और बाबा काशी की नगरी में हम लोग हैं। बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी को शांति मिले जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो और हमारे
देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटे को साहस प्रदान करें, क्योंकि एक बेटे के लिए बहुत दुखद होता है उनकी माँ का नहीं रहना, क्योंकि जो माँ की जगह है वो कोई नहीं ले सकता। हम लोग 2 मिनट का मौन रखे हैं और आगे भी यही प्रार्थना है भगवान से कि वो जहाँ कहीं भी हो सुख और शांति मिले उनकी आत्मा को।